पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया हंगामा। भूमि विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को जेल भेज दिया था। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव ढोटी में भूमि पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को जेल भेज दिया। इससे गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में थाने पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर बेगुनाह लोगों को जेल भेजा है। ग्राम नवाबपुरा भूड़ के पास ढोटी मोड़ पर स्थित एक भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसमें एक व्यक्ति के सिर में चोट आई। 9 लोगों को पकड़ लिया और शांति भंग में कार्रवाई की थी। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद भाजपा के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जो घटना में शामिल ही नहीं थे। जिला उपाध्यक्ष शरद गर्ग का आरोप था कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से हमसाज होकर एक पक्ष के 6 लोगों को जेल भेजा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देर रात तक पुलिस और भाजपाइयों में वार्ता चल रही थी। थाने में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष शुभम चौधरी, किसान नेता गुरमीत सिंह और सौवीर सिंह आदि मौजूद रहे। आप ये बता दो।
आप अपील नहीं करेंगे, आपकी नजरों में दूसरा पक्ष तो थोड़ा बहुत है या नहीं है? Yeah.
बोल रहा हूं।